यूपी में रामपुर जिले के अनुभव गांव में रहने वाले चार हिंदू परिवारों को धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरी ये चिट्ठियां उर्दू, अरबी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद से गांव में रह रहे हिंदू परिवारों में दहशत का माहौल है। ये चिट्ठी किसने लिखी, गांव तक कैसे पहुंची, इसकी पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। गांव के रहने वाले कुलदीप के मुताबिक उनके घर के बाहर कुछ लिफाफे जैसा पड़ा हुआ था, जिसे टोना टोटका समझकर उन्होंने उसे फेंक दिया। फिर कुछ लोगों ने बताया कि उस पर किसी का नाम लिखा है। जब उस लिफाफे को खोला गया तो उसमें उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में धमकियां लिखी मिली। मैं सुबह 12 से आया 7 बजे। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि बाहर कुछ लिफाफे टाइप पड़े हुए हैं। मैंने देखा कि इसमें क्या है, तो फिर हम लोगों ने उस पर जब नाम पड़ा हुआ था तो फाड़ के देखा कि इसमें क्या है। जब फाड़ के देखा तो उसमें एक लाल रंग का कपड़ा निकला। कपड़े पर 2 लिफाफे टाइप चिपके हुए थे पर्चे, उन पर लिखा हुआ था। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और ना ही उर्दू आती है। उसके बाद मैं पहुँचा जो ज़्यादा इंग्लिश अच्छी जानते हैं उन लोगों के पास। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बताया पूरी बात कि इसमें धमकी लिखी हुई है और इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे परिवार को खतरा है, और कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई थी कि ऐसा कर दोगे वैसा कर देंगे, कि तुम्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो उन्होंने बताया, इतनी बात ही मुझे पता चली। उसके बाद में मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसमें और क्या लिखा था, ISI का भी जिक्र था? वो इंग्लिश में था, ये समझ में हमारे नहीं आया। उसके बाद में कुछ लोगों ने जो मोबाइल में जानते हैं, बड़े मोबाइल में, उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेट बोलते हैं क्या, वो किया हिंदी में उसका अनुवाद, तो उस पर पता चला कि ऊपर ISS लिखा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कुलदीप को उनके घर के बाहर 4 लिफाफे मिले, जो 4 अलग अलग लोगों के नाम से लिखे गए थे और सभी एक ही शख्स के लिखे हुए लग रहे थे। आज सुबह कुलदीप को, जो अनुवा के रहने वाले हैं, थाना साहबाबाद के, 7 बजे अपने घर के बाहर 4 लिफाफे मिले जो 4 अलग अलग लोगों के नाम से लिखे गए थे, लेकिन लैंग्वेज सेम ही थी और एक ही आदमी द्वारा लिखा हुआ सब लग रहा था। एक ही लैंग्वेज थी और एक ही मजमून था पत्रों का, और जो लिखने वाला ये अपने आप को किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य बता रहा था। इस लेटर के ऊपर ISIS लिखा हुआ था और ये जान से मारने की धमकी दे रहा था। IB को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था, IB और स्पेशल ब्रांच LIB, और इसकी तस्दीक की जा रही, जांच की जा रही कि पत्र कहां से आया और इसका क्या मकसद है। फिलहाल गांव में हिंदू परिवारों के नाम धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खासकर कुलदीप के घर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।